हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज मैं आपको बेबी सॉक्स बनाना बता रही हूँ। इस सॉक्स का साइज़ जो है, ये 6 महीने से लेकर के 2 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। इसको हम यहाँ से नीचे वाले बेस से स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने 60 फंदे डाले हैं। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 60 फंदे डाल लिए हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये इसकी राइट साइड है। राइट साइड से हम उल्टा उल्टा बनाएंगे अपनी तरफ सिलाई करके ऐसे। इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेंगे। ये सॉक्स बहुत इजी है। इस रो को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी सेकंड रो है। ये रोंग साइड है। रोंग साइड से भी हम अपनी तरफ को उल्टा उल्टा बनाएंगे। सेकंड रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, सेकेंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी थर्ड रो है, राइट साइड है। फिर से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे अपनी साइड को। थर्ड रो को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी फोर्थ रो है, रॉन्ग साइड है। फोर्थ रो को भी हम अपनी तरफ को उल्टा उल्टा करके कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे ही उल्टी उल्टी रो बना करके हमने 28 रो करनी है। 28 रो की हमारी, ये हमारी फोर रो हुई है, इसकी ये 2 लाइनें आ गई हैं। ये देखिए, ऐसे हमारी 14 लाइनें आनी चाहिए, इसलिए हमने 28 रोज़ डालनी है। 28 रोज़ उल्टी उल्टी डालने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये हमारी 28 रोज़ हो गई हैं। 28 रोज़ की ये लाइनें 14 बन गई हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, अब हम इसको साइडों से फंदे घटाएंगे, जैसे हमने ये घटा रखे हैं। ये देखिए, इधर से और दूसरी साइड से। यहाँ से हम अब 11 फंदे घटा देंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, 11। ये हमने 11 फंदे बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब देखिए, ये हमारे 60 फंदे थे टोटल। 38 फंदे हम बीच में बनाएंगे और 11 फंदे दूसरी साइड भी वाइंड ऑफ करेंगे। बीच वाले फंदे हम ऐसे ही उल्टे बना लेंगे।
चाहें तो आप 38 फंदे यहाँ से बना करके 11 फंदे यहीं से वाइंड ऑफ कर दें, चाहें तो आप इस पूरी रो को कंप्लीट करके दूसरी साइड से आते समय इसको स्टार्टिंग में कर सकते हैं। मैं इसको दूसरी रो में करूँगी इसको वाइंड ऑफ। ये देखिए 11 फंदे मैं इधर से करूँगी, एक फंदा बना लिया, दूसरा फंदा बना लिया, इसको इसके ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे। जो फंदा बनाएंगे पहले वाले फंदे को उसके ऊपर से ऐसे निकालते जाएंगे, 11 फंदे करेंगे। ये हमारे 3 हो गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हमारी राइट साइड है, ये देखिए ये हमारी राइट साइड है। अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे दूसरी साइड धागा करके। इन सभी फंदों को सीधा सीधा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है सीधी सीधी बना करके। अब ये रॉन्ग साइड है, यहाँ से हम इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे अपनी साइड धागा करके। इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए हमारी सीधी उल्टी 2 रो हो गई हैं। यहाँ तक हमारा ये सॉक्स जो है जो बन के तैयार हो गई है यहाँ तक। अब हम इसमें ये वाली जाली डालेंगे, ये अब हमारी राइट साइड है। 1, 2, दो फंदे हमने सीधे बना लिए धागा अपनी साइड करके। दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी साइड करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी साइड करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से धागा अपनी साइड करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अपनी साइड धागा करके दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाली साइड को ऐसे। यहाँ पे हमारी जालियाँ डल जाएंगी।
लास्ट वाले दो फंदे सीधे बना लेंगे। ये पूरी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये हमारी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से इस पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी जालियां बन गई हैं, ये देखिए। जालियों के बाद ये देखिए मैं इसको 2.5 इंच करीब बनाऊंगी। ये देखिए बना करके उसके आगे मैंने ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ फिर से डालनी हैं। ये सिलाइयाँ हमने डालनी हैं 1 2 3 4, चार हमारी ये लाइनें आई हैं इसलिए हमने 8 सिलाइयाँ डालनी हैं। यहाँ पे 8 रोज डालनी हैं, उसके बाद हमने इसको वाइंड ऑफ कर देना है। 2.5 इंच के करीब बनाने के बाद फिर इसमें हमने ये वाली बॉर्डर बनानी है उल्टी उल्टी रोज़ की। इतना करने के बाद मैं आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए इसमें मैंने ये डिज़ाइन डाल रखा है। ये डिज़ाइन आपको मैंने पहले बना के बता दिया, अगर आप डालना चाहते हैं तो मैंने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए जाली से लेकर के यहाँ तक मेरा 2.5 इंच हो गया है। अब इसको मैंने 8 रोज डाल करके कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मैंने वाइंड ऑफ कर दिया। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी, यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके इसकी सिलाई करूँगी। सिलाई करके मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अब हम सिलाई करेंगे। ये बीच में हमारी सीधी साइड है और उल्टी साइड हम बाहर को करेंगे। ये देखिए ऐसे दोनों को पकड़ करके, आप देखिए ऐसे, ऐसे इसकी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। पूरी सिलाई यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने इसकी सिलाई टोटल पूरी करनी है यहाँ तक। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। अब हम इसको सीधा करेंगे। देखिए ये बहुत ही प्यारा बन के आ गया। ये देखिए हमारा ये सॉक्स कितनी प्यारी बन गई है। ये देखिए ऐसे बन के आ जाएगा जी। अब ये जो हमने जाली बना रखी है इसके लिए हम डोरी बनाएंगे। डोरी बना करके मैं बताती हूँ। ये देखिए हमने ट्रिपल धागा बना लिया है। ये ऐसे ट्रिपल धागा लेकर के अब इसको हम ऐसे क्रोशे के ऊपर बल डाल लेंगे। ये देखिए ऐसे करके ऐसे इसको हम बल डाल लेंगे। अब यहाँ से अब डोरी बनानी स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल धागे की हम ऐसे क्रोशे के साथ डोरी बनाएंगे। जितनी लंबी डोरी आपको चाहिए वैसे, ये देखिए उतनी लंबी आप बना सकते हो। ये बनाने में इजी है, बहुत जल्दी बन के आती है।
ये देखिए कितनी जल्दी बन के आती है, बहुत ही सुंदर डोरी बन के आती है। जितनी लंबी आपको डोरी चाहिए उतनी लंबी आप बना सकते हो। ये देखिए हमारी डोरी बन कर के कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इतनी लंबी डोरी हमने बनाई है। अब इस डोरी को हम इस सॉक्स में डाल लेते हैं। डालने के बाद इसमें पम्पम लगा देंगे यहाँ पे आगे, इसमें डाल करके पम्पम लगा करके मैं आपको बताऊंगी बाद में। इसको डाल के इसमें जाली के अंदर डाल के डोरी को, फिर मैं इसके आगे पम्पम लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब मैंने इसमें डोरी डाल दी है, डोरी डाल करके मैंने ये पम्पम लगा दिए हैं। ये देखिए ये मेरी दोनों सॉक्स बन के रेडी हो गई हैं। ये देखिए इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।